गूगल पेज रैंक एल्गोरिदम। सो बेसिकली ये आज भी काम करता है या नहीं करता, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ये पेज रैंक जो एल्गोरिदम है ये गूगल ने क्यों बनाया था और इसके पीछे क्या रीजन है। यही पूरा डिटेल के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप भी एसईओ में काम कर रहे हैं और एनालिटिक्स में स्पेशली जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि पेज रैंक जो एल्गोरिदम है इसके बनाने के पीछे वजह क्या थी। एक एग्जाम्पल देके समझते हैं इसको। लेट्स से कि एक क्लास है और क्लास के अंदर 40 से 50 स्टूडेंट जो हैं काम कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए हैं अपने अपने स्टडी के अकॉर्डिंग और सभी सेम सब्जेक्ट को ही फॉलो कर रहे हैं। अब ऐसे में जो टीचर है उसको ये डिफाइन करना है कि कौन सा स्टूडेंट ऐसा है उसमें से जो जिसने सबसे ज्यादा मेहनत करी या बहुत अच्छा जो है काम किया। ऐसा नहीं कि काम किसी ने नहीं किया, सबने काम किया, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा काम जो है वो किसने किया। तो बेसिकली जो भी उसने आंसर लिखे हैं उसके बेसिस के ऊपर में उसको जो है मार्क्स दिए जाते हैं, एंड जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं यानी कि जिसने ज्यादा स्कोरिंग करी है वो नंबर वन पे आ जाता है और इसके बाद में जो आया वो सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। यही सिचुएशन जो है यहां पे ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर चालू हो गई, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स बनानी स्टार्ट हो गई। अब बहुत सारी वेबसाइट्स बनने लग गई तो ऐसे में गूगल के अंदर नंबर वन पे किसको लाना चाहिए, नंबर टू पे किसको लाना चाहिए, तो ये जरा डिफिकल्ट हो गया। अब ये जब डिफिकल्ट हुआ तो यहां पर गूगल के द्वारा एक नया जो है एल्गोरिदम डिजाइन किया गया जिसको हम कहते हैं पेज रैंक एल्गोरिदम, जो कि 1998 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसके पीछे कुछ स्कोरिंग की जरूरत थी कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट जो है जिसका जो पेज है वो सबसे बेस्ट है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी जो है या पेज अथॉरिटी जो है उसकी बात करी जाने लगी, जिसके पास यूजर आके सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और जिसके पास में ज्यादा बैकलिंक्स वगैरह है और रिलेवेंट बैकलिंक्स है। इस तरीके जो है उसको डिजाइन किया गया कि जिसके पास ज्यादा बैकलिंक्स है उसको जो है ज्यादा स्कोर मिलेगा और जिसके पास में जो है कम बैकलिंक्स है और उसकी डोमेन अथॉरिटी कम है तो डेफिनेटली उसको जो है यहाँ पे कम मार्क्स मिलते थे। तो ऐसे में जिसके पास सबसे ज्यादा स्कोर है वो नंबर वन पे आने लग गया। तब ऐसे में जब ये एल्गोरिदम को क्रैक कर लिया गया कि कैसे काम करता है तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बैकलिंक का स्पैमिंग करना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे ऐसे यूजर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे प्रोवाइडर्स बन गए जो पेमेंट लेकर बैकलिंक्स जो है वो प्रोवाइड करने लग गए और ऐसे में जो ऑथेंटिसिटी थी वो खत्म हो गई। अब इसी के लिए जो आज की अगर हम बात करें कि आज भी क्या पेज जो रैंक एल्गोरिदम है वो काम करता है कि नहीं करता है, तो आंसर इज यस, पेज रैंक आज भी काम करता है, लेकिन आज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आज के जो एल्गोरिदम्स हैं वो काफी एडवांस हो गए और पेज रैंक एल्गोरिदम एक सिंगल ऐसा एल्गोरिदम नहीं है जो पेज को रैंकिंग के अंदर या उसकी स्कोरिंग को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ कई सारे अदर फैक्टर्स जो है वो ऐड कर दिए गए सो दैट ये जो स्पैमिंग कर रहे हैं या फिर कहीं से पेड बैकलिंक्स वगैरह डलवा रहे हैं उसको एनालाइज किया जा सके और उसके बेसिस के ऊपर में जो बाकी एल्गोरिदम्स हैं वो क्या बोलते हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं बेस्ड ऑन दैट जो है आज पेज रैंक जो एल्गोरिदम है वो काम कर रहा है। हालांकि इसके पीछे जो है एग्जैक्टली अगर हम बोलें कि सिर्फ हम पेज रैंक एल्गोरिदम को जो है अगर फोकस करें और उसके बेसिस पे हम नंबर वन पे आ जाएं तो ये आपका मानना या फिर ये टेक्निक जो है वो डेफिनेटली गलत हो जाएगी, बिकॉज जैसे मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया कि यहां पर आप गूगल के पास में बहुत सारे डिफरेंट जो है एल्गोरिदम्स हैं, राइट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर में काम करना होता है। आज की डेट में सिर्फ एक पेज रैंक एल्गोरिदम पे काम करके आप अपनी वेबसाइट को, अपने पेज को नंबर वन पे नहीं ला सकते, उसके लिए आपको जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी के ऊपर में काम करना पड़ेगा और किसी स्पेसिफिक के ऊपर नहीं, आपको ओवरऑल सभी के ऊपर में काम करना पड़ेगा, तभी आपकी जो वेबसाइट है या उसका पेज है वो नंबर वन पे रैंक कर सकता है। तो गाइज आई होप कि ये जो वीडियो है जो मैंने बताया आपको पेज रैंक एल्गोरिदम के बारे में आपको इसका नॉलेज हो गया होगा, बिकॉज कई बार जो है आपको इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो वहां पे हालांकि इसका जब आप एसईओ में जाते हो तो उसमें कोई लेना देना नहीं है,
बट सम टाइम बिकॉज ये उसी के साथ में रिलेवेंट है, तो कई बार जो है इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू के अंदर कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पेज रैंक एल्गोरिदम, तो उसमें आपको जवाब जो है वो आना चाहिए कि कैसे इसका जो है इस्तेमाल किया गया। हालांकि कई बार जो है अगर आप कहीं पर सर्च करोगे तो ये बताया जाता है कि पेज रैंक एल्गोरिदम जो है वो अभी यूज नहीं किया जाता बिकॉज 100% उसको यूज करके रैंकिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए यूज तो किया जाता है लेकिन 100% नहीं, यानी कि उसके साथ में देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जिनके साथ में मिलकर जो है आज की डेट में पेज की जो स्कोरिंग है वो डिफाइन की जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह का कंटेंट लेकर अगर आप भी अपने करियर को जो है डिजिटल मार्केटिंग एसईओ एक्सपर्ट की तरफ में लेके जाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी डोमेन्स हैं उनसे रिलेटेड आपको वीडियोज देखने को मिलती रहेंगी, और हमारे साथ में आप भी अपना नॉलेज और स्किल्स जो है एनहेंस कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।